नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर इन इंडिया। इंडिया में मौर्य सल्तनत का क्याम। मौर्य सल्तनत वो सल्तनत थी जिसने इंडिया पर सबसे ज़्यादा अरसा हुक्मरानी की थी और ये इंडिया पर हुक्मरानी करने वाली सबसे बड़ी रियासत थी। 321 BC टू 297 BC 321 कबल अज़ मसीह से लेकर 297 कबल अज़ मसीह तक। द रोल ऑफ चंद्रा गुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का किरदार। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मशहूर है कि इसके नाम के साथ जो मौर्य लगाया गया वो मौर से निकला है। ये ऐसी गांव से ताल्लुक़ रखता था जिसका नाम था मौर्य नगरी। वहाँ के लोग मौर पाला करते थे। ज़िंदगी के आखिरी हिस्सों में उसने जैन मज़हब को इख्तियार कर लिया था और वो एक पहाड़ी टीले पर चला गया था सब कुछ छोड़कर, और वो एक मज़हबी पेशवा बन गया था। वहाँ पर उसने मज़हबी इबादत के तौर पर भूखा रहना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत वाकया हो गई थी। चंद्रगुप्ता मौर्य बिलोंग। चंद्रगुप्त मौर्य ताल्लुक़ रखता था टू क्षत्रिय फैमिली कश्तरी ख़ानदान से। कश्तरी ख़ानदान वो ख़ानदान जो जंगजू ख़ानदान होते हैं। ही एस्टैब्लिश्ड अ वास्ट एंड स्ट्रॉन्ग एम्पायर इन इंडिया। उसने कायम किया एक वसी और मज़बूत सल्तनत इन इंडिया इंडिया में। आफ्टर द अटैक ऑफ अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म के हमले के बाद ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिया की तमाम रियासतें गॉट डिस्टर्ब्ड बाय रिबेलियंस। वो रिबेलियंस कहते हैं बगावत करने वाले जो लोग होते हैं वो बगावत करने वालों की वजह से परेशान थी। इन सच सरकमस्टांसिस इन हालात में चंद्रगुप्ता मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य गॉट द अपॉर्चुनिटी। उसको ये मौका मिला टू फुलफिल हिज एम्स कि वो अपने इरादों को मकासद को पूरा कर सके। मौर्यन हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी विच इंक्लूडेड वार एलिफेंट्स टू। मौर्य के पास एक मजबूत फौज थी जिसमें शामिल थे जंगी हाथी भी।